मंडल में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकन के अनुसार मंडल में 44 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसके अलावा अब तक कुल 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकन ने बताया कि कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए मंडल में 930 बेड बनाए गए हैं, जिससे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पताल बनाए गए हैं। इसके अलावा पूर्वांचल डेंटल कॉलेज सहित अन्य स्थानों पर भी बेडों की व्यवस्था की गई है। मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो अपना इलाज करा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, देखिए जैसा कि ये आप लोगों के भी संज्ञान में है कि भारी संख्या में बाहर से लोग माइग्रेंट्स हमारे आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, और ये लोग जिन अंचलों से भारत के आ रहे हैं उन अंचलों में ऑलरेडी कोविड का संक्रमण ज़्यादा हुआ है और इसकी संभावना थी और इसकी हम लोगों ने तैयारी की हुई है। और इसी लिए हमारे पूरे मंडल में लगभग 920 बेड हमारे तैयार हैं, जिसमें कि 200 बेड तो L3 लेवल के हैं। और उसी के क्रम में हमारे पास संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जो भी एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और चिकित्सा शिक्षा की तरफ से व्यवस्थाएं की जाने की, वो पूरी व्यवस्थाएं हैं। इस समय हमारे करीब 43 पेशेंट जो हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और आशा करते हैं कि आगामी 2 से 3 दिनों में हम कई लोगों को डिस्चार्ज कर पाएंगे, जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी है उसके तहत। और हमारी तैयारी पूरी है। निगरानी समितियाँ क्योंकि सजग हैं, लोग सजग हैं, और आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि वो सजग रहें। तो जो लोग आ रहे हों और उनका प्रारंभिक क्षणों में ही यदि उनको कोई बीमारी होती है या उनको कोई लक्षण दिखाई देते हैं, लोग उस हम लोग को बता रहे हैं, तो उसके चलते हमें समय रहते लोगों के बारे में पता भी चल रहा है और उसी के क्रम में ये हमें 44 केस पता चले। सर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लेवल 1 के जो हमारे चारों जनपद हैं उसमें हमने पहले तो L1 के 4 CSC में हॉस्पिटल रेडी किए हैं, 30 बेड के हैं। उसके साथ साथ L1 अटैच जिसे बोलते हैं या L1 समकक्ष बोलते हैं, उसके 100 बेड के चारों जनपदों में 130 के हिसाब से 520 ये बेड हमारे रेडी हैं। उसके साथ 200 बेड की L3 फैसिलिटी हमारी जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेडी है, जो कि क्रिटिकल केसेस के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं और अभी हमने कमिश्नरी लेवल पर सारे केसेस को पूल करके वहीं पर उनका इलाज करा रहे हैं। और उसके साथ साथ रेलवे के जो 200 बेड हैं उनको भी हमने राज्य सरकार से L1 नोटिफाई कराया हुआ है। सो इस तरह से हमारे पास ये 920 बेड की व्यवस्था है। इसके साथ साथ हमारे जो L1 समकक्ष बेड हैं, स्पेशली देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में, इनको हम 100 से 250 बेड ले जाने की इनकी भी क्षमता है। और हम गोरखपुर में भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बेड की क्षमता हम 500 बेड की और बढ़ा लें। सो ये काम चल रहा है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास लगभग 1000 बेड उपलब्ध हैं और हम पूरे तरह से सक्षम हैं किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि आपने देखा है, पूर्वांचल डेंटल कॉलेज या TB हॉस्पिटल में भी हम लोगों को मेडिकल क्वारंटाइन करा रहे हैं। मंडल की यदि एक्टिव केसेस आप लें तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 44 केस पॉजिटिव इस समय हैं। 44 में 43 का ट्रीटमेंट बीआरडी में चल रहा है। एक जो व्यक्ति है वो देवरिया से रास्ते में है। डेथ 3 केसेस हमारे पास इस समय कोविड पॉजिटिव की अभी तक की डेथ है, जिसमें गोरखपुर का एक केस है, महाराजगंज का एक केस है और कुशीनगर का एक केस है। और एक व्यक्ति जो है ब्रॉड डेड है, जिसका कि हम लोगों ने सैंपल लिया हुआ है और उसकी जांच आने पर ही हम कह पाएंगे कि उसकी स्थिति क्या है। एक जिला चिकित्सालय की डेथ है, कुशीनगर का जो व्यक्ति है उसकी एक डेथ है और बीआरडी की एक डेथ है। टोटल 4 डेथें हैं कमिश्नर।